नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय में देखिए, तीन अंक वाली संख्या में दो अंक वाली संख्या से गुणा करना है तो देखते हैं हम कि तीन अंक वाली संख्या में दो अंक वाली संख्या से किस तरह से गुणा किया जाता है। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से तीन अंक वाली संख्या में दो अंक वाली संख्या से गुणा करना हम सीखते हैं। तो पहला सवाल हम लेते हैं, तीन अंक लेने के लिए हमें पहला सवाल हम लेते हैं। देखिए 2234 ये हमने ले लिया, 234 में हम 65 का गुणा करते हैं। देखिए ये गुणे का निशान हो गया। अब हमें क्या करना है, आपको जानकारी है कि पहाड़े का हमें वाचन करना है। पाँच का पहाड़ा चार बार पढ़ेंगे, पाँच चौका 20 हो जाएगा। 20 का इकाई अंक दो लिखेंगे, दहाई अंक 20 का इकाई अंक शून्य लिखेंगे, दहाई अंक दो को हासिल देंगे। यहाँ पर पाँच का पहाड़ा फिर तीन बार पढ़ेंगे, पाँच तियाई 15, 15 में दो जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। अब 17 का इकाई अंक 7 लिखेंगे, दहाई अंक 1 को यहाँ हासिल लगाएंगे। 5 का पहाड़ा फिर दो बार पढ़ेंगे, 5 का दो बार गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 11। अब ये पहले इकाई अंक का हो गया है। अब दहाई अंक का गुणा करने के लिए इकाई अंक के नीचे इस तरह से शून्य का निशान लगा देते हैं। अब हम दहाई अंक से गुणा करते हैं तो 6 का गुणा हम चार बार करेंगे, 6 का पहाड़ा चार बार पढ़ेंगे, 6 चौका 24 हो गया। 24 का इकाई अंक 4 यहाँ लिखेंगे और दहाई अंक को फिर हम हासिल लगा देंगे, 2 हो गया हासिल। अब 6 का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 18 क्षेत्रिक 18, 18 में दो जोड़ेंगे 19, 20 हो जाएगा। 20 का इकाई अंक शून्य यहाँ लिखेंगे, अब दहाई अंक को यहाँ हासिल लगा देंगे, 2 हो गया। 6 दूनी 12, 12 में दो जोड़ दिए 14 हो गया। इस तरह से हमने देखिए लिख लिया। यहाँ देखिए धन का निशान लगाना है, इस लाइन को ऐसे खींचना है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, शून्य में शून्य जोड़ दिए, शून्य हो गया। 7 में 3 जोड़ दिए, 7 में 4 जोड़े, 7 3 10 1 11, 7 4 11, 11 का इकाई अंक 1 और दहाई अंक 1 को हासिल लगा दिया। 1 में 1 जोड़ दिए 2 हो गया, 4 में 1 जोड़ दिए ये 5 हो गया और एक के ऊपर कुछ नहीं है, एक लिख दिए। अब इसका देखिए हम वाचन करेंगे, 15210 यहाँ उत्तर आ रहा है, अर्थात 234 में 65 से गुणा करने पर 15210 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें बच्चों दो अंक में एक अंक की संख्या से इस तरह से हमें गुणा करना सीखना है। तो दूसरा हम देखते हैं उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों 819 है। 819 में हम दो अंकों की संख्या 12 है, इकाई और दहाई, 12 से गुणा हम करते हैं। देखिए किस तरह से ये गुणा होगा, इकाई अंक से शुरू कर रहे हैं, दो का गुणा 9 बार करेंगे, 2 9 18 होता है, 18 का इकाई अंक 8 और दहाई अंक 1 हासिल लगा दिए। 2 का गुणा 1 बार करेंगे, 2 1 कम 2, 1 इसमें जोड़ दिए ये 3 हो गया। अब 2 का गुणा 8 बार करेंगे, 2 8 16 होता है और आगे अंक नहीं है इसलिए 16 के 16 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इकाई अंक का होने के बाद दहाई अंक से करने के लिए
ये दहाई के नीचे लिखना शुरू करेंगे, ये हमारा नियम है। तो इकाई अंक के नीचे हमने शून्य लिख दिया, अब दहाई के अंक से, क्योंकि ये दहाई से गुणा कर रहे हैं, एक का गुणा नौ बार करेंगे, एक नवा नौ हो गया, एक का गुणा एक बार किए, एक एक कम एक हो गया, और एक का गुणा आठ बार किए, एक अट्ठे आठ हो गया। अब यहाँ हम धन का निशान लगाएंगे, इस लाइन को खींचेंगे, इसे जोड़ना है, आठ में शून्य जोड़े आठ हो गया, नौ में तीन जोड़ दिए, नौ तीन बारह हो गया, बारह का इकाई अंक दो, दहाई अंक एक को हासिल दे दिया हमने, छः सात एक आठ हो गया, आठ में एक जोड़ दिए नौ हो गया। अब देखिए 9828 उत्तर आ रहा है, 819 में 12 से गुणा करने पर 9828 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें दो अंक में, तीन अंक में दो अंक का गुणा करना पड़ता है। तो आगे हम दूसरा उदाहरण और देखते हैं, तीसरा उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। तीसरे उदाहरण में देखिए, तीसरी सवाल हम लेते हैं बच्चों, यहाँ तीसरा सवाल हमने लिया 545 हमने ले लिया, ये 545 में 38 से हम गुणा करते हैं, तीन दहाई आठ इकाई तीस आठ 38, गुणे का निशान लगा दिया हमने, ये सवाल लिख लिया। अब आठ का गुणा पांच बार करेंगे, आठ का पहाड़ा पांच बार पढ़ेंगे, आठ पंचे 40 हो गया, 40 का इकाई अंक हमने लिखा और दहाई अंक यहाँ हासिल लगा दिया। आठ का गुणा चार में करेंगे, आठ चौक का 32 हो गया, 32 में चार जोड़ेंगे 36 हो गया। अब 36 का इकाई अंक छः लगा देंगे, हाँ यहाँ लिखेंगे, और दहाई अंक तीन को हासिल देंगे हम। अब आठ का गुणा पाँच के पार करेंगे, आठ पंचे 40 हो गया, 40 में जब तीन हम हासिल जोड़ देंगे, ये 43 हो जाएगा, इकाई अंक का गुणा हो गया। अब दहाई अंक का लिखने गुणा करने के लिए इकाई अंक के नीचे शून्य लगा देंगे। अब दहाई अंक से हमें करना है, देखिए तीन है दहाई अंक पर, तीन का गुणा पांच बार करेंगे, तीन पचे 15 हो जाएगा, 15 के पांच लिखेंगे इकाई अंक, और दहाई अंक एक को हम यहाँ हासिल लगा देंगे। तीन का पहाड़ा चार बार पढ़ेंगे, तीन चौका 12, 12 में एक जोड़ दिए 13 हो गया, 13 का इकाई अंक तीन और दहाई अंक एक हासिल इधर। तीन का पहाड़ा पांच बार पढ़ेंगे, यहाँ पांच है, तीन पचे 15 हो गया, 15 में एक हासिल जोड़ देंगे, ये 16 हो जाएगा, 16 के 16 हमने लिख दिया। अब ये धन का निशान यहाँ लगाना है, धन का निशान लगाने के बाद इस लाइन को खींच करके इसको जोड़ना है, शून्य में शून्य जोड़े शून्य हो गया, छः पाँच 11 हो गया है, 11 का एक हासिल एक, तीन तीन छः, छः में एक हासिल जोड़ दिए 7, छः चार 10, 10 का शून्य लिख दिया हमने, हासिल एक लगा दिया, एक में एक हासिल जोड़े 2 हो गया। देखिए 20710 यहाँ उत्तर आ रहा है, 545 में 38 से गुणा करने पर 20710 उत्तर आता है। तो इस तरह से दो अंकों में एक अंक, तीन अंकों में दो अंकों से गुणा करने पर इस तरह से हमें सवाल को हल करना पड़ता है। अब हमने तीसरा उदाहरण देखा, अब एक चौथा उदाहरण देखते हैं फिर से। अब चौथा उदाहरण है, हमें तीन अंक लिखना है, 781 हमने यहाँ लिखा और इसमें हम 90 से गुणा करते हैं। देखिए ये गुणे का निशान लगा दिया हमने, इस लाइन को खींच दिया। अब हम गुणा करना शुरू करते हैं, शून्य से शून्य का गुणन एक में किया, शून्य एकम शून्य आ गया। हमें जानकारी है कि किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर उत्तर शून्य ही आता है, तो शून्य का आठ में गुणा किए शून्य आ गया, शून्य में सात से गुणा किए शून्य आ गया। ये इकाई अंक पर शून्य है इसलिए यहाँ देखिए सब शून्य है। अब दहाई अंक से करने के लिए इकाई अंक के नीचे शून्य लगा दिए,
अब दहाई अंक से करना है, दहाई अंक पर 9 है, 9 का 1 में गुणा किया हमने, 9 एक कम 9 आ गया, 9 का 8 से गुणा किए, 9 8 72 होता है, 72 का इकाई अंक 2 और हासिल 7 लगा दिया, 9 7 63 होता है, 63 में 7 जोड़ दिया हमने, ये हो गया 70, ये कितना हो गया 70 हो गया। धन का निशान यहाँ लगाना है, धन का निशान लगाने के बाद इस लाइन को खींचना है और इसको फिर जोड़ना है। देखिए दो अंकों का गुणा है, इसलिए दो अंक इकाई अंक का यहाँ लिखने के बाद दहाई अंक उसके नीचे लिखना है और ये दहाई अंक से शुरुआत करना है। शून्य में शून्य जोड़े शून्य हो गया, 9 में शून्य जोड़े 9 हो गया, 2 में शून्य जोड़े 2 हो गया, शून्य में और ये 70 देखिए, उत्तर देखिए 70,290 आ गया यहाँ पर, अर्थात 781 में 90 से गुणा करने पर 70,290 उत्तर आता है। और एक उदाहरण और हम देखते हैं, पांचवा उदाहरण क्रमांक 5 हम देखते हैं कि कैसे हमें सवालों को हल करना है। तो पांचवा सवाल हम लेते हैं बच्चों, 3 अंक लेना है, 953 हमने यहाँ लिया और इसमें 38 से गुणा करने पर देखिए किस तरह से ये सवाल हल होता है। हमें करना क्या है, इकाई अंक से गुणा करना है, यहाँ पर इकाई अंक से गुणा करने के लिए हमें 8 से 8 का 3 में गुणा करना पड़ेगा, 8 त्रिक 24 हो गया, 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 8 पचे 40 होता है, 40 में 2 जोड़ दिए, 40 2 42 हो गया, 42 का 2 हासिल 4 लगा दिए, 8 9 72 होता है और 72 में 4 जोड़ने पर ये हो जाएगा 76। अब इकाई अंक का हो गया, दहाई इकाई अंक के नीचे शून्य लगाने के बाद दहाई अंक से करना है 3 त्रिक का, ये 9 हो गया, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पचे 15 के 5 लिखेंगे, हासिल 1 देंगे, 3 9 27, 27 में 1 जोड़ दिए 28 आ गया। और यहाँ धन का निशान हमें लगा करके इस लाइन को खींच करके हमें क्या करना है, जोड़ना है, 4 में शून्य जोड़े 4 हो गया, 9 में 2 जोड़ दिए 9 2 11, 11 का इकाई अंक 1 और दहाई अंक हासिल लगा दिए 6 5 11, 11 में 1 जोड़ दिए हो गया 12, 12 के 2 लिख दिए हासिल 1 लगा दिए, 7 में 1 जोड़े 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 का 6 और हासिल 1 लगा दिए, 2 1 3 हो गया, देखिए 36,214 यहाँ उत्तर आ रहा है, अर्थात 953 में 38 से गुणा करने पर 36,214 उत्तर आता है। पांचवा उदाहरण देखते हैं बच्चों, हम 3 अंक वाली संख्या में 2 अंक वाली संख्या से गुणा करना है। तो हम सवाल लेते हैं, 3 अंक की संख्या 203 हमने लिखा और इसमें हम 24 से गुणा करते हैं। देखिए 24 से गुणा करने के लिए गुणे का निशान और इस लाइन को खींच दिया हमने, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे हम, 4 तियाई 12 होता है, तो 12 का इकाई अंक 2 और दहाई अंक 1 को हासिल हमने लगाया, 4 का गुणा यहाँ शून्य बार पढ़ेंगे, 4 का गुणन शून्य में करेंगे, 4 शून्य शून्य हो जाएगा, शून्य में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, तो 4 का गुणन 2 बार करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, इकाई अंक का हो गया। अब दहाई अंक का हमें गुणा करने के लिए इकाई अंक के नीचे इस तरह से शून्य लगाना पड़ेगा। अब हम दहाई अंक का करके दहाई अंक के नीचे लिखेंगे, 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 तियाई 6 हो जाएगा,
दो का गुणा शून्य बार करेंगे, दो सुन्ना शून्य हो जाएगा, और दो का दो बार करेंगे, दो दूनी चार हो गया। देखिए अब इसको लिख करके, हमें लिख करके इस तरह से लाइन खींच करके जोड़ना है। दो में शून्य जोड़ें दो हो गया, छः में एक जोड़ें सात हो गया, आठ में शून्य जोड़ें आठ हो गया, और इस चार को इस तरह से 4872 हो गया। 203 में 24 से गुणा करने पर 4872 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें दो अंकों में तीन अंक से गुणा करना पड़ता है। और उदाहरण, अगला उदाहरण हम देखते हैं बच्चों, तीन अंकों का उदाहरण हम संख्या लेते हैं, तीन अंकों की संख्या लेते हैं। 476 हमने यहाँ लिख दिया और इसमें हम 32 से गुणा करते हैं। देखिए 476 में 32 से गुणा करने के लिए गुणे का निशान, इस लाइन को हमने खींच दिया। दो का गुणा 6 बार करेंगे, दो का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, दो तियाई 6, दो छेंग 12 हो गया, 12 का इकाई अंक 2 और दहाई अंक 1 हासिल लगा दिए। दो का 7 बार गुणा करेंगे, 2 7 14 हो गया, 14 1 15 15 के 5 हासिल 1 लिख दिया हमने। दो का अब 4 में गुणा करेंगे, 2 चौके 8 और 8 1 9 हो गया, ये इकाई अंक का हो गया। दहाई अंक कर करने के लिए इकाई अंक के नीचे शून्य लगा दिया हमने। अब दहाई अंक से हमें लगाना है तो 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 तियाई 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 6 का 18 हो गया, 18 का इकाई अंक 8 और दहाई अंक 1 हासिल लगा दिए। 3 का अब 7 बार 3 7 21 21 1 22 22 का 2 लिखेंगे और हासिल हमको यहाँ 2 लगाना होगा, 2 लगा दिया हमने हासिल। 3 चौके 12 हो गया, 12 में 2 जोड़ दिए, ये 14 हो जाएगा। अब यहाँ धन का निशान और इस लाइन को खींच करके हमें जोड़ना है। 2 का शून्य में जोड़ किए 2 हो गया, 8 का 5 में 8 5 13 13 के 3 हो गया, हासिल 1 लगा दिया हमने। 9 में हासिल 1 जोड़ दिया, 10 10 में 2 जोड़ दिया, 12 12 का 2 हासिल 1 लगा दिया हमने। 4 में हासिल 1 जोड़ा, ये 5 हो गया और 1 के ऊपर कुछ नहीं है, 1 को 1 लिख दिया, इस तरह से आ गया। देखिए 15232 आ गया। 476 में 32 से गुणा करने पर 15232 उत्तर आता है। तो इस तरह से अगला उदाहरण बच्चों हम देखते हैं, उदाहरण क्रमांक हम 7 देखते हैं। हमारा 7वां उदाहरण देखिए किस प्रकार से रहेगा। तो 7वां उदाहरण देखिए, हम 7वां उदाहरण लेते हैं और हमारा 7वां उदाहरण हमने ले लिया 619। 619 में 2 अंकों की संख्या हम 44 लेते हैं। अब 44 से गुणा करेंगे, देखिए किस तरह से आता है। 4 का इसमें 9 बार गुणा करना है, 4 9 36 हो जाएगा, 36 का इकाई अंक 6 और ये दहाई अंक 3 को हासिल लगाएंगे। 4 का गुणा 1 बार करेंगे, 4 1 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7 हो गया। 4 का गुणा 6 बार करेंगे, 6 4 6 24 हो गया, इस 24 को यहाँ लिख देंगे। इकाई अंक से हो गया, इकाई अंक के नीचे होने के बाद यहाँ शून्य लगाना है। अब दहाई अंक का लिख करके दहाई अंक से गुणा करना है, जैसे हमने इकाई अंक से किया उसी तरह से दहाई अंक से करके दहाई अंक के नीचे लिखना है, बस यही फर्क है। 4 9 36 हो गया, 36 के 6 हासिल 3 लगा दिया हमने। 4 1 4 हो गया, 4 में हासिल 1 जोड़ दिया, 4 3 7 हो गया।
चार छंक 24 हो गया और ये 24 को हमने लिख लिया। यहाँ दोनों संख्याएं इकाई और दहाई की दोनों संख्याएं समान है, इसलिए गुणा करने पर इनका उत्तर भी समान आएगा। अब देखिए 2476 इधर आया और यहाँ देखिए ये दहाई अंक होने के कारण 24760 आ रहा है। तो दहाई होने के कारण इकाई में तो 2476 आया और दहाई में एक सुन्ना बढ़ जाएगा, यही हमें इसमें सीखना है दहाई। तो यहाँ हम शून्य का निशान लगा दिए और इसका गुणा करने पे देखिए 24760 यहाँ उत्तर आ रहा है। अब इसको हम जोड़ेंगे, छः में शून्य का जोड़ किए छः में सात जोड़ेंगे, छः 12, छः सात 13, 13 के तीन हासिल एक लगा दिया हमने, चार में हासिल एक जोड़ दिया पाँच हो गया, तो 7 5 12 हो गया, 12 का ये 2 हमने लिख दिया, हासिल एक लगा दिया, 4 2 6 6 में हासिल एक जोड़ दिया हमने, 7 हो गया और 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 को वैसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ उत्तर आ गया 27236, 619 में 44 से गुणा करने पर 27236 उत्तर आता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं बच्चों, अगला सवाल है तीन अंकों में 2 अंकों से गुणा करने में, 380 में हमें 47 से गुणा करना है। तो 380 में देखिए 47 से किस तरह से गुणा होगा, इकाई अंक से हम गुणा करते हैं, 7 0 0 हो गया, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 7 8 56 होता है, 56 का ये 6 इकाई अंक लिखेंगे और दहाई अंक 5 को हम हासिल देंगे, 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 7 3 21 हो गया और 21 में हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, ये 26 हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए इकाई अंक से हो जाने के बाद हमें क्या करना है, आप तो जानते हैं कि इकाई अंक के नीचे शून्य लगेंगे, अब दहाई अंक से गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 4 0 0 हो गया, अब 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 4 8 32 हो गया, 32 के 2 लिखेंगे और हासिल 3 जो है यहाँ हासिल लगा देंगे, 3 हासिल हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो गया। देखिए यहाँ दूसरे अंक को लिखते समय इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, ये लिखते समय हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इकाई का हमने जोड़ किया, 0 आ गया, 6 में 0 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ दिया हमने 8 आ गया, 5 में 2 जोड़ दिया 7 आ गया, 1 के ऊपर कुछ नहीं है, 1 को ऐसे कैसे लिख दिया हमने, इस क्रम को हम भूलेंगे नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब उत्तर आज आ रहा है देखिए 17,860 उत्तर आ गया, 380 में 47 से जब हम गुणा करेंगे तो 17,860 उत्तर आएगा। और अगला उदाहरण और देखते हैं कि किस तरह से तीन अंकों में 2 अंकों के सवाल को हल करने पर किस तरह से उत्तर आता है। हमने लिख लिया 864, अब 864 ये 3 अंक है और नीचे लिख दिया 18 18, ये 2 अंक हो गया, ये गुणे का निशान लगा दिया हमने। अब 8 से गुणा करना है, इकाई अंक पर 8 है, 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें, 8 4 32 हो गया, अब 32 का इकाई अंक 2, दहाई अंक 3 को यहाँ दहाई में हासिल दे दिया हमने, 8 का पहाड़ा फिर 6 बार पढ़ेंगे हम, 8 45 हो गया, 8 6 48 हो गया और 48 में हमें क्या करना है 3 जोड़ना है, तो 48 में 3 जोड़ दिए, 51 हो गया, 51 का 1 लिखेंगे और हासिल यहाँ 5 लगाएंगे।
अब आठ का गुणा आठ बार करेंगे, आठ अट्ठे चौंसठ हो गया। अब चौंसठ में हमें क्या करना है, पाँच जोड़ देंगे, उनहत्तर हो जाएगा। चौंसठ में पाँच जोड़ने पर पाँच चार नौ होता है, तो ये उनहत्तर हो गया। अब इकाई अंक के नीचे हम शून्य लगा देंगे, इकाई अंक से गुणा करना है। एक चौके चार हो गया, एक छक्का छः हो गया और एक अट्ठे आठ हो गया। ये धन का निशान लगाएंगे, इस लाइन को खींचेंगे। अब इसको हमें जोड़ना है, एक बार इसका गुणा करने पर वही का वही सेम टू सेम अंक आ गया, परंतु ये दहाई से हम गुणा करते हैं इसलिए एक शून्य इसमें बढ़ जाएगा। दो में शून्य से गुणा किए दो, चार में एक जोड़ दिए पाँच, नौ में छः जोड़ दिए, नौ एक दस, दस पाँच पंद्रह होता है, पंद्रह के पाँच हासिल एक लगा दिया हमने। छः में एक जोड़ दिए सात हो गया, सात आठ पंद्रह होता है, पंद्रह का फिर हमने पाँच लिख दिया। पंद्रह को पंद्रह लिखना पड़ेगा पूरा पूरा अंक, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है नहीं। अब देखिए उत्तर आ गया 15,552। 864 में 18 से गुणा करने पर 15,552 उत्तर आता है। तो इस तरह से तीन अंकों में दो अंकों से गुणा किया करके हमें सवाल को हल करना रहता है। अब हम देखते हैं और एक उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। उदाहरण क्रमांक हम 11 पे चलते हैं, 11वां सवाल है। देखिए अब सवाल हो गया, ये हमने ले लिया संख्या, यहाँ 380 हम ले रहे हैं। देखिए 380 में अब हम 47 से गुणा करेंगे, देखिए किस तरह से इसका उत्तर आता है। आपको समझ में आ जाएगा कि तीन अंक में दो अंक से गुणा करने पर इस लाइन को खींचना है। सात का यहाँ शून्य बार गुणा करेंगे, यहाँ देखिए हमने एक बार गुणन किए, अब शून्य में गुणन करने पे सात सुनना, ये शून्य ही आएगा यहाँ पे। अब सात का पहाड़ा हम क्या करेंगे, आठ बार पढ़ेंगे, सात अठे छप्पन हो गया। छप्पन का इकाई अंक छः यहाँ लिखेंगे और दहाई अंक पाँच को यहाँ हासिल देंगे। सात त्रिक 21 हो गया और 21 में पाँच जोड़ेंगे 26 आ जा रहा है। देखिए 21 में पाँच जोड़ दिए 26 हो गया। इकाई अंक होने के बाद अब हम दहाई अंक के नीचे, यहाँ इकाई अंक के नीचे शून्य लिखेंगे, दहाई अंक से करेंगे गुणा। चार का शून्य बार गुणा करेंगे, चार शून्य शून्य होगा। अब देखिए चार अठे 32, चार का आठ बार गुणा करें, चार अठे 32, 32 के दो और हासिल यहाँ तीन होगा। चार तियाई 12, 12 में तीन जोड़ देंगे, ये 15 हो जाएगा। 15 को 15 लिख देंगे, धन का निशान लगाएंगे, इस लाइन को खींच करके अब जोड़ेंगे। शून्य में शून्य जोड़ें, शून्य हो गया। छः में शून्य जोड़ दिया, छः हो गया। छः में दो जोड़ दिए, आठ हो गया। पाँच में दो का जोड़ किया हमने, ये सात हो गया। एक को ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। अब यहाँ उत्तर देखिए 17,860 यहाँ उत्तर आ रहा है। 380 में 47 से गुणा करने पर बच्चों 17,860 उत्तर आता है। तो इस तरह से हमें तीन अंकों के सवाल को तीन अंकों में दो अंकों से गुणा करके हल करना रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तीन अंकों में दो अंकों से किस तरह से गुणा करते हैं, किस तरह से हासिल लगाते हैं और कैसे उसे लिखते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप तीन अंकों में दो अंकों से गुणा करना, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।